चुटकियों में आपके खाने को टेस्टी बना देंगे दादी माँ के ही आसान कुकिंग टिप्स। आज हम आपके लिए दादी माँ के कुछ ऐसे आसान कुकिंग टिप्स लेकर आए हैं, जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद आप अपने खाने को टेस्टी बना सकते हैं। तो देर किस बात की है, आइए हमारे साथ इन कुकिंग टिप्स के बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। नंबर एक, नींबू का रस निचोड़ने के बाद छिलका फेंके नहीं, छिलके को किसी साफ पन्नी में डाल दे जाएं। साथ ही नमक भी डाल दें, बीच बीच में धूप में रख दें। कुछ ही दिनों में नींबू का अचार तैयार हो जाएगा। नंबर दो, पनीर कद्दूकस करते समय कद्दूकस पर थोड़ा तेल लगा लें, पनीर और चीज चिपकेगा नहीं। नंबर तीन, सुबह गोभी की सब्जी बनानी हो तो गोभी को रात में बड़े टुकड़ों में तोड़कर नमक के पानी में डालकर रख दें। गोभी के कीड़े निकल जाएंगे और गोभी सफेद और खिली खिली बनेगी। नंबर चार, दूध या खीर जल जाए तो उसमें 2 से 3 पान के पत्ते डालकर गर्म करें, जलने की खुशबू या बदबू चली जाएगी। नंबर पाँच, हरी सब्जियों का पकाते समय अगर 1/4 चम्मच चीनी मिला दें तो सब्जियों का रंग अच्छा हो जाता है। नंबर छः, गोभी बनाते समय उसमें 2 चम्मच दूध और नमक मिला दें, गोभी का रंग सफ़ेद ही रहता है। नंबर सात, आटा गूंदने के बाद उसमें थोड़ा सा तेल लगा लें तो वह मुलायम बना रहता है। नंबर आठ, अगर आप डेजर्ट, खीर या कस्टर्ड बना रहे हैं तो भारी तेल के बर्तन में इस्तेमाल करें, इससे बर्तन जलेगा नहीं और डेजर्ट का टेस्ट भी बढ़ेगा। नंबर नौ, आलू के पराठे बनाते समय आलू के मिश्रण में थोड़ी सी कसूरी मेथी मिला दें, पराठे इतने स्वादिष्ट होंगे कि हर कोई खाना चाहेगा। नंबर दस, आटा गूंदते समय पानी के साथ थोड़ा सा दूध मिलाएं, इससे रोटी और पराठे का स्वाद बदल जाएगा और वो बहुत मुलायम बनेंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो अपना सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जिसकी जानकारी हम अपनी अगली वीडियो में देंगे। धन्यवाद।